ये वजीर खां मस्जिद है, अभी हम इसकी तरफ भी जाएंगे। ये इस कुएं की अगर आपने कोई झलक देखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है, बाहर कपड़े बिक रहे हैं और ये कुआँ है। ये कुछ सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, शायद इसको कोई जाने का रास्ता होगा। फिलहाल तो यहाँ इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने बताया था कि हम उधर से आए हैं दिल्ली दरवाजे से, और तकरीबन ये कोई आधा किलोमीटर की वॉक भी नहीं है तो वजीर खां मस्जिद आ गई। हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं पहले यहाँ पे वजीर खां मस्जिद में गया हूँ, तो लेकिन ये भी देखने की जगह है। आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने ये लाहौर में वजीर खां मस्जिद ही देखी वो जरूर देखें, और इसको भी ये लगता है इसको भी उसकी बहाली का और मरम्मत का काम किया गया है। और ये जो वजीर है उसकी मैंने बात की थी वजीर खां, उसके नाम पर ये मस्जिद बनाई गई थी। आज वैसे हम जो है ना वो सुनहरी मस्जिद देखेंगे। वजीर खान का जो काम है वो मैंने जैसे अर्ज किया कि वो आप खुद आकर कर लेंगे ज़्यादा मुनासिब। ये जो आप ये वजीर खान जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं वो गुजरे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दुकानें बनी हुई थी कब्जे हुए वर्ल्ड बैंक के तावुन से, और ये वॉल सिटी प्रोजेक्ट जो है लाहौर का, इन्होंने यहाँ पे खुदाई करके ये जो जगह है ये वहाँ गुजार करवाई थी। और ये इस तरह से पहले नहीं था, जो वजीर खान चौक नज़र आ रहा है ये पहले ऐसे नहीं था। वो जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे भी दुकानें समझे थी, और बल्कि उनको इस हालत में ये बाद में लाया गया, अभी जो रेनोवेशन आप देख रहे हैं जो हो रही है। इसी तरह वहाँ से भी जो एक रास्ता जहाँ से आप अभी आए हैं वहाँ पे भी जो दुकानें थी उनसे कब्जा छुड़वाया गया और पैसे दे के वहाँ से कभी गुजर गया। यहाँ पे जब ये बहाली का काम हुआ है ये हुआ है, ये उसके कमरे हैं। मुसलमान जो है आपको ये पता हो गया 1300 साल पहले मुसलमान कुर्बान बाह हुसैन। ये जो आप कह रहे हैं हुजरे यहाँ पे दुकानें थी, ये जितने करके आपको पिलर के नीचे से आपको नजर आ रहे हैं मुरम्मत, इतना इतना ही से ये दबाया हुआ था। दुकानें कहाँ थी? दुकानों में मतलब कुछ ये आगे वाले जो हिस्सा है ना, अच्छा, वो टीआर गार्ड लगा के ने आगे दुकानें बनाई हुई थी। और ये भी बाद में बहाल हुआ है ना, ये सारा चौक पहले इसके बराबर था सब, ये बराबर था, ये खुदाई करके ये निकाला। जी जी, तो ये हम उधर वो अभी आपको कुआं दिखाया था जो वजीर खान ने खुदवाया था 1635, वहाँ से हम अभी एंटर हुए दिल्ली दरवाजे से। और ये जो है ये वजीर खान मॉस्क है, और अभी हम ये यहाँ जाएंगे तो सुनहरी मॉस्क आ गए सुनहरी मस्जिद। और ये वजीर खान का दूसरा गेट है दाखिली दरवाज़ा, यहाँ भी ये बाज़ार आप देख रहे हैं वही अंदरून शहर वाले बाजार हैं सारे। फिर अगर आपको यहाँ भूख लग जाए वॉक करते करते तो ये भटूरे भी आप खा सकते हैं, ये बड़े स्पेशल किस्म के यहाँ भटूरे हैं, काफ़ी मशहूर हैं। और इसको मैं चेक करके भी देखूंगा कि ये वाकई में अच्छे हैं कि आम का ही मशहूर है। और ये आपके डोरी बाजार जी, हम अभी चल के जो आए हैं पूरा रास्ता रॉयल ट्रेन पे, तो अभी उसमें भी मशहूर आ गए पीछे हमने जैसे देखा था वो मस्जिद वजीर खान थी, और ये अब सुनहरी मस्जिद है। क्या आप गुंबद देख रहे हैं वो गोल्डन कलर के हैं, अभी हम अंदर जाएंगे दूसरे कार पे। इसकी जो रेनोवेशन है या इसकी जो तजीनों और आयश का काम है वो मेरा ख्याल अभी शायद शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि आप इसकी हालत देख रहे हैं इधर से ज़रा एक पीछे का भी एक कश्मीरी बाज़ार और रंग महल है जहाँ से हम होकर आए हैं। और अगर आप वॉक करते हुए ये रास्ता है सुनहरी मस्जिद का, चलिए अब हम अंदर चलते हैं सुनहरी मस्जिद। ये ज़रा करीबी व्यू है सुनहरी मस्जिद का, और
इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है वजीर खान के मुकाबले में, तो काफ़ी छोटी है। और नीचे जो बाज़ार है कश्मीरी बाज़ार, रंग महल, ये आप इसका भी व्यू देखते हैं, मैंने पहले भी आपको यहाँ से दिखाया था। रंग महल से गुजर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, उधर भी जरा देखिए रंग महल, यहाँ से रहते हैं, ये रंग महल है, यहाँ पे चांदी के मलबूसात और जेवरात और इस तरह मिल रही हैं, ज़्यादातर आर्टिफिशियल है वैसे तो। ये बाबा जी यहाँ पे सिले सिलाए कफन भी बेच रहे हैं वैसे। अच्छा वैसे तो ये हम जनाब यहाँ पे निकल आए हैं रंग महल से, और इसको सीधा अगर हम चलते जाएंगे वॉक मजीद करेंगे तो शाही किले को निकल जाएंगे। और यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो जगह है, ये रास्ता, ये वाला रास्ता, इस तरफ चले जाएंगे तो आप शालमी की तरफ चले जाएंगे, और वो वहाँ से जहाँ से हम आए हैं ये रास्ता वापस दिल्ली दरवाजे की तरफ जाता है। तो ये छोटा सा टूर था आज संडे का, तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो लाहौर शहर को, अंदरून लाहौर को देखना चाहते हैं, वो ये छोटा सा एक टूर ज़रूर लें, और बेहतर है कि वो इतवार को यहाँ पर। गुड बाय लाहौर, गुड बाय रंग महल।